हाय मैडम, कैसे हो? 10 रुपए का डालो। अरे 10 रुपए बस थोड़ी होता है। तो हाय दोस्तों, लोग आ चुके एक नए प्रैंक के साथ, ब्लॉग के साथ। और अभी आदर्श मनोज शुक्ला शूट कर रहे हैं और मैंने बाल थोड़ा ऐसा चप्पू किया हूँ, एकदम ऐसा कंगी नहीं है पीछे करते हैं, तो आप लोगों को एकदम अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इसके पीछे भी एक कहानी है। ये पीछे करने का मतलब एक्चुअल हम लोग आज करने जा रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग। ये देखो, ये जो हमारा GoPro कैमरा है और ये हेलमेट पे माउंट होने वाला है, तो आज हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। इसके लिए मैंने बाल को थोड़ा पीछे ले लिया क्योंकि इसके ऊपर मेरे को हेलमेट पहनना है। और ये आज हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करेंगे और आप लोग को मालूम पड़ेगा कि आज हम लोग क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे साथ पीछे आदर्श बैठेंगे गाड़ी पे और पूरा मोटो ब्लॉगिंग आज आपको देखने मिलेगा। तो मतलब यार देखो यार, बहुत टाइम हो गया था कि जो मेरा कैमरा है इसको मैंने यूज नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज किया जाए। और ये सारी एक्सेसरीज भी ऐसी पड़ी थी, इवन मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा हेलमेट कहाँ रखा होगा। तो अभी मैं हेलमेट निकालूंगा, हेलमेट को साफ करूंगा, फिर मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद फिर बाइक से जाएंगे। तो आप लोग को भी देखने में बहुत मजा आएगा। तो आप लोग वीडियो ये जो है ये एंड तक देखना। क्या बोलता शुक्ला? यस, कुछ भी हो सकता है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? दिल खोल कर, शायद हो सके रास्ते पे इनको एक्सीडेंट दिख जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो मोटो ब्लॉगिंग में यही सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, कौन सी गलती कौन कहाँ करता है। अभी तो हम लोग हेलमेट पहन के चलाएंगे, देखते हैं जो भी होता है आप लोग को दिखाता है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी चीजें देखने मिलेगी। देखो ये हेलमेट माउंट हो चुका है, ये देखो हेलमेट माउंट हो चुका है। थोड़ा सा हल्का सा मुझे ये टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसको मैं ओके कर दूंगा। और अभी देखो, अभी आदर्श भाई गाड़ी निकाल रहे हैं और ये मेरा नंबर प्लेट टूट चुका है। ये एक बार बाइक वाले ने तोड़ दिया था, तो मैंने उसको बाद में बोला बाद में बनाता हूँ। तो अभी इसके साथ हम लोग करेंगे शूटिंग, तो आप लोग देखना कि पब्लिक रिएक्शन कैसा आता है। और जो भी रहेगा आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अभी आदर्श भाई गाड़ी को पीछे ले रहे और फिर इसी से शूट करेंगे हेलमेट पहन के, और देखते हैं आपको क्या चीज़ें दिखाने मिलती है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग ने लगा लिया है GoPro, अभी इधर से जाते हैं। और देखो चड्डी बदल रहा है, अभी इधर से चलते हैं। और ये हमारी छोटी सी गली है, इसके पास से हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं अपना, और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे गेट बंद है, आदर्श खोलना पड़ेगा। अद्दू यस, खोल लेंगे भाई, खोल लेंगे ना। और अभी सबसे पहला काम करेंगे इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल जरा भी नहीं है। ये पेट्रोल डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। आदर्श भाई ये गेट खोल दो ना यार। अभी हम लोग ने बहुत राउंड मारा, बहुत मजा आया कि नहीं आदर्श? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया। अच्छा सीन कैसा मालूम है क्या? हम लोग थोड़ा गलत टाइम पे निकले, अभी ये थोड़ा दोपहर का टाइम है, करीबन 3 बजे के करीब। तो फिर भी हम लोग ने बहुत राउंड मारा। मैंने शूटिंग इसके लिए नहीं किया, मैं बोला कि यार देखो आप लोगों को पर्टिकुलर चीजें दिखाई जाए। क्या बोलता शुक्ला? यस, एकदम पर्टिकुलर चीजें, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हो। और भाई यार जब भी आप लोग ट्रैवल करते हो तो कभी भी एक चीज ध्यान देना कि हमेशा, अरे वाह रेसिंग लगाओ क्या इसके साथ? रेस करते क्या शुक्ला? पकड़ के बैठ, अभी हम लोग रेस करने जा रहे हैं वो रॉयल इंजिन के साथ। रे मैं मजाक कर रहा था, ऐसे रेस नहीं करना चाहिए। आज क्या हेलमेट लगाया है ना, तो फिर वो फील आ रहा है रेसिंग का। क्या बोलता ब्रो? यस, लेकिन हेलमेट नहीं, मतलब समझा, रेस नहीं करना चाहिए यार। देखो रेस आप लोग करते हैं सर। ओ देख हीरो, मैं हूँ हीरो तेरा यार। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप लोग को पैशन फॉलो करना है अपना, तो आप लोग अपना पैशन फॉलो करो, क्योंकि पैशन फॉलो करने से क्या होता है पता है आप लोगों को? आप लोग अपने मजे की चीज कर सकते हो, जिंदगी जी सकते हो। और इवन अगर आप लोगों को टिकटॉक विकटॉक पे वीडियो बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं। कभी थको मत, ऐसा हो सकता है आपकी किस्मत कभी भी खुल जाए। बहुत किस्मत खुल जा सकती है आपकी, लेकिन बस आपको कोशिश करते रहना चाहिए, जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। आप ऐसा सोचोगे कि यार मेरा टिकटॉक नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपका टिकटॉक चलेगा, सिर्फ दूसरी आईडी बना लो। तो जब आप दूसरी आईडी बना लोगे तो आपका टिकटॉक चलेगा। मैं शायद रॉन्ग साइड से जा रहा था ना, ये है राइट साइड, और ये राइट साइड से हम लोग आ गए। और इस समय देखो कोई भी अपने मर्जी से किधर से भी चलता है, अपनी मर्जी। तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ हम लोग थोड़ा सा भरेंगे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए। आप लोग देख सकते हो कैसे ब्लिंक कर रहा है, टुक 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 टुक, कभी भी ये बंद हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग को जाना है प्रैंक शूट करने, तो इसके लिए पेट्रोल थोड़ा भरा लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद प्रैंक शूट करेंगे, वो आपको प्रैंक चैनल पे देखने मिलेगा।
और हो सके तो घर पे जाके मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि मेरे को प्रैंक भी अपलोड करना है। एक न्यू प्रैंक हम लोग ने बनाया था, अभी कहाँ पे लगा दूँ, इधर लगा दूँ? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये जो पेट्रोल पंप है उसकी एक खासियत है, वो खासियत ये है कि यहाँ पे सारी लेडीज़ काम करते हैं। और सीन कैसा मालूम है क्या कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब बीच बीच में झगड़े हुए करते थे, लड़ाइयाँ हुई करती थी, कोई पैसे नहीं देता था, कोई पैसे ज़्यादा देता था बोलता मेरे को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो पेट्रोल पंप है इसके बहुत सारे किस्से थे, तो इसके लिए यहाँ पे लेडीज़ को अपॉइंट किया गया और ये लोग काफ़ी दिन से अपनी काम करते हैं। क्योंकि कभी भी कैसा होता है कि पहले ये 24/7 था लेकिन इसको कम कर दिया, 11 बजे तक चालू रहता ना, अभी 11 बजे तक चालू रहता है। उसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि रात के टाइम पे थोड़े दारू पी के लोग आ जाते थे और फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, अभी ओके चल रहा है। तो हम भी थोड़ा यहाँ से पेट्रोल भरा लेते हैं। आदर्श मैं उनको बोलूँगा 10 रुपये का पेट्रोल भरो, उनका रिएक्शन कैसे आएगा? अच्छा एक बार देखता हूँ ना, ये मैडम को मैं बोलता हूँ कि मैडम 10 का पेट्रोल भरो, तो देखते हैं कि उनका रिएक्शन। हाय मैडम, हाय मैडम, अच्छी इधर की पहचानती है हम लोगों को, तो थोड़ा गाड़ी आगे लेते हैं और भरते हैं 10 रुपीज़ का पेट्रोल और देखते हैं उनका रिएक्शन कैसे आएगा रिएक्शन, देखते हैं ना क्या रिएक्शन आता है जब हम लोग। अरे ये गाड़ी क्यों हिला रहा है वो देख ना, वो गाड़ी क्यों हिला रहा है? खुलता नहीं रहेगा ना, खुलता नहीं शायद पेट्रोल, ऐसा कुछ धक्का स्टार्ट हो गई होगी ना? नहीं, हाँ शायद हो सकता होगा, देखना पूरा तक दो दो जन खड़े शायद गाड़ी हिलाने के लिए यार। लेकिन सोचना जब मैं इनको पूछूंगा कि 10 रुपये का पेट्रोल भरो तो इनका रिएक्शन कैसे आएगा। मैं तो बोलता हूँ 10 का ही भरवाता हूँ ना, ठीक है? एक तो मेरे जेब में पैसे भी नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ चेक करता हूँ मेरे जेब में कितने पैसे हैं, उतना ही पैसा मैं लाया और उतने रुपये का ही भराऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना ही कैश है। ये देखो 20, 30, 40, 50, 60 रुपीज़ है। आदर्श ये 50 रुपीज़ तो छुपा ले, पहले मैं बोलता हूँ 10 रुपीज़ का भरो और फिर जब 10 रुपीज़ का उनका रिएक्शन कैसा आता है फिर उसके बाद बोलेंगे 60 का भरो, लेट्स सी। वैसे ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, पता नहीं इन लोग ने अभी तक खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। धूप भी हो रही है, हाँ धूप भी हो रही है और वो मैडम भी हमको जानते हैं, लेकिन अच्छा है यार हर आदमी मेहनत करता है। तो अभी देखते हैं, पकड़ आदर्श, देखते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है? मैं पूछने जा रहा हूँ 10 रुपीज़ पेट्रोल। हाय मैडम, कैसे हो? 10 रुपये का डालो। अरे 10 रुपये बस थोड़ी होता है, एक काम करो 60 रुपीज़ का डालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 60 का डालो, 60। और 60 रुपीज़ में कितना दूर तक जाएगा, कितने दूर तक जाएगा? मैं तो गाड़ी चला ही नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। मैडम की स्माइल अच्छी है, हो गया देखो 60 खत्म। मेरे को लगता है आदर्श ये घर तक पहुंचने तक खत्म हो जाएगा भाई, है ना? हाँ 60 रुपीज़ का हो गया मैडम, ये लो 60 रुपीज़। इसको बंद करते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। मैडम बाय बाय, टाटा, तुम्हारा नेक्स्ट टाइम भेटू। तो चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि अभी मुझको डालना है वीडियो और वो वीडियो आएगा प्रैंक चैनल पे और वो प्रैंक है प्रॉपर्टी में हिस्सा वाला प्रैंक, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो आप लोग देखना, उसके अंदर आदर्श के साथ एक वकील है जो कि आदर्श की प्रॉपर्टी बांट रहा है। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और ये है हमारा GoPro जो कि अभी हम लोग ने इस्तेमाल किया। हाँ इसको मैंने बंद कर दिया, राइट इसको मैंने बंद कर दिया है। और अभी हम लोग के चाल में सीन कैसा चल रहा है कि हर जगह पे कलर हो रही है क्योंकि दिवाली आई है, तो इसके लिए ऐसा सीन चल रहा है कि कलर हो रहा है, सब आ रहा है। तो फाइनली हम लोग ने जो मोटर व्लॉग है आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी मेरे घर पे बैठा है आदर्श और सनी। इसके बाद हम लोग जो करने वाले सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी वो चीज़ें दिखाए। तो ये जो GoPro है उसको रखता हूँ मैं, और अंदर रखने के बाद अगर आप लोग को पसंद आया होगा ये व्लॉग GoPro वाला तो फिर आप बताना, तो मैं मोटर व्लॉगिंग भी करूँगा और व्लॉग भी करेंगे। और ये देखो आदर्श मनोज शुक्ला यहाँ पे बैठा हुआ है। हाय अद्दू, अपने को अभी प्रैंक शूट करना है ब्रो। यस, अपने को अभी प्रैंक शूट करना है, तो आदर्श रेडी है। और ये है हमारा दिवेश गुरुवारा। हाय दिवू, हाउ आर यू? ये तेरा फोन तो दिखा, ये देखो एक चीज बता रहा हूँ कि ये सनी है, इसने iPhone XR लिया है, मस्त ना सनी? पहले तेरे पास कौन सा था? 6S और अभी iPhone XR, कॉन्गो ब्रो। और ये देखो ये सारा मेरा लैपटॉप है, और ये 11 लेने वाला हूं। दिवाली में क्या लेने वाला है? iPhone 11। अरे वाह, पहले से कांग्रेचुलेशन। और ये देखो मेरा छुट्टू, ए छुट्टू, ए निम्बी,
इसका नाम है निमिट, नंगू निमिट। देखो इसने कपड़ा भी नहीं पहना नंगे ने। ए कपड़ा कौन डालेगा? ए ए निम्टू निम्टू निम्टू। तो इसको कपड़ा वपड़ा पहनाते हैं और अभी देखते हैं कि अभी आपको आगे क्या देखने मिलेगा। तो आप लोग व्लॉग एंजॉय करो। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा व्लॉग हम लोग बनाते रहे तो प्लीज इस वीडियो को क्या करना है आसानी, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है शुक्ला मामा? इसको बेचने है। सर अभी ये बेच के 11 लेगा ना। ए दे चुन्नी मुन्नी तुन्नी टाटा बाबू अपना देखो बूबू है निमो। इसका नाम निमित है, अपना प्यारा भांजा है ये। तो बस अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा तो व्लॉग को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसमें आपको ऐसी चीजें देखने मिलेगी। टाटा करो निमित, सबको टाटा करो बाबू। टाटा सी यू, बोल मैं बड़ा हो जाऊंगा। टाटा लव यू मुआ सी यू। सनी तेरा ऐसा क्यों मुंह बनाया भाई, कुछ मिल गया लगता है तेरे को जिंदगी में।